हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जन्माष्टमी के लिए। तो वैसे मैंने सभी वीडियो शूट कर दिए हैं, वन बाय वन मैं सारे वीडियो पब्लिश कर दूंगी। ये एक विशेष रिक्वेस्ट थी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये था कि दीदी, हम फर्स्ट टाइम लड्डू गोपाल का जन्म करवाएंगे, तो हम कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में वीडियो बना दें, तो इसलिए मैं डिटेल में बना रही हूँ कि आपको लड्डू गोपाल के जन्म करवाने में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है और कैसे आपको उनका जन्म करवाना है। देखिए, सुबह में आप उन्हें, जब सुबह का जो हमारा डेली का पूजा रूटीन होता है, देखिए जन्माष्टमी का दिन है, भगवान के लिए तो हमारे भाव हमेशा ही एक जैसे होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। एक ईश्वर ही ऐसे हैं जिनके लिए हमारे भाव बदलते नहीं, और जो बदलता है उसकी भक्ति कहीं ना कहीं स्थिर नहीं। जैसे कि अरे, रोज़ तो हम सामान्य करते हैं आज जन्माष्टमी है तो आज हम स्पेशल करेंगे, ऐसा नहीं। हमें हर दिन उनके लिए स्पेशल सोचना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है, बकाया कि आपकी अपनी जो है विचारधारा है। मेरे लिए तो रोज़ जन्माष्टमी है, कोई दिन ऐसा नहीं कि नहीं आज जन्माष्टमी नहीं। मेरे हिसाब से तो रोज़ ही मेरे लिए जन्माष्टमी है। तो आप सर्वप्रथम सुबह उठकर अपने लड्डू गोपाल को उठाकर उनका स्नान आदि कराकर उनका श्रृंगार करके उनको मंदिर में विराजित कर लें, ठीक है। भोग वगैरह लगा दें, सुबह का भोग लगा दें, दोपहर का भोग लगा दें, शाम को भी आप उन्हें जो है वो भोग लगा दें, ठीक है। जैसे आपने सुबह उन्हें उठाया, उनको दूध दिया, उसके बाद आपने उनका स्नान वगैरह कराया, स्नान पूजा पाठ करके उनका जो भी आपको करना है, आप अपने हिसाब से जो भी करते हैं वो किया, उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया, बिठा दिया अपने स्थान पर, और उसके बाद आपने अपने जो भी काम है वो निपटाए। दोपहर में फिर उनको भोग लगने का समय आया, दोपहर को फिर भोग लगाया, फिर उनको शाम को भोग लगने का समय आया। तो शाम को जन्माष्टमी वाले दिन 5 बजे से 6 बजे के बीच में आप उन्हें जो है वो भोग पर्चात जो भी है वो दे दीजिए। वो लगाने के बाद 10-15 मिनट बाद आप लड्डू गोपाल के वस्त्र निकालकर उनको स्नान करवा कर, अच्छे से स्नान करवा के आप दूध से, शहद से, फलों के रस से, मैंने कई भिन्न प्रकार के स्नान हैं शेयर किए हुए हैं, करके दिखाए हैं, आगे भी कर दूंगी। तो आप उनको स्नान करवा के और उनको जन्म के प्रोसेस की तरफ चलने लगिए। तो जन्म का प्रोसेस कैसे करना है उसे समझ लीजिए। जैसे कि आपने तरबूज में जन्म करवाया, कद्दू में जन्म करवाया, या आपने लौकी में जन्म करवाया, कुम्हेड़े में जन्म करवाया जिसका पेठा बनता है उसमें करवाया, या आप खीरे में ही करवा रहे हैं। खीरे का विशेष महत्व क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। देखिए, खीरे के दो ही महत्व हैं। पहली चीज़ तो ये कि पहले घरों में छोटे छोटे लड्डू गोपाल रहा करते तो खीरे में जन्म करवाना आसान रहता था। दूसरा चीज़ जो कि खीरे की नाल काटी जा सकती है, तो यही तो ज़रूरी नहीं कि खीरे की नाल ही काटी जाती इसलिए खीरा महत्वपूर्ण है। खीरा महत्वपूर्ण क्यों है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ और वासुदेव जी उन्हें डलिया में रख के ले जा रहे थे नंद के पास, तब उन्हें खीरे की बेल से ही ढक कर ले गए थे, ठीक है। इसीलिए बेल वाले खीरे का महत्व अत्यधिक होता है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसी में ढक कर उनको ले गए थे, इसीलिए खीरा महत्वपूर्ण होता है। जन्म तो आप हर उस फल में करवा सकते हैं जिसमें नाल काटी जा सकती है, और मोस्टली हर फल में नाल होती है। जो फल बेल पर लगता है उसमें नाल होती है, आप उसे काट सकते हैं, ठीक है। विशेष महत्व खीरे का क्यों है, इसलिए है क्योंकि उसे हम खीरे के पत्तों में ढक कर जो है प्रभु को ले जाते हैं, और जब उनका जन्म होता है तो सर्वप्रथम उन्हें खीरे के पत्तों में ही निकाल के रखते हैं, इसलिए उसका महत्व अत्यधिक होता है। इसलिए अत्यधिक नहीं होता कि हम उनका जन्म खीरे में करवाते हैं, इसलिए नहीं होता, इसलिए होता है कि हम जब किशन जी को ले गए थे तो उन्हें उसी पत्तों में, डलिया में बिछा कर, उसी में रख कर, उन्हीं पत्तों से ढक कर, फिर उनको जो है वो वासुदेव जी यमुना पार करवा कर ले गए थे नंद जी के यहाँ, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। तो आप क्या करें, जैसे कि आपने तरबूज में काटा तो आप तरबूज को 2 टुकड़े में कर लीजिए, उसका एक पार्ट अच्छे से खाली कर लीजिए, चमचे से आप सारा तरबूज जो अंदर का पल्प है उसे निकाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। तो आपका एक तरफ का तरबूज क्या हुआ, पूरा खाली हो गया। बड़ा तरबूज मिल जाएगा तो वो पूरा खाली हो जाएगा, और उस तरबूज में आप 10 से 15 नंबर तक के जन्म आराम से करवा सकते। कुछ लोग कमेंट है, दीदी हम नहीं करवा सकते, हमारे डुअल बहुत बड़े। तो उसका तरीका ये है, तरीके से हर काम किया जा सकता है, बिना तरीके कुछ नहीं हो सकता। आप उसमें
कुमकुम की सहायता से स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाकर उसमें थोड़े से फूल चढ़ाकर, मतलब आपने जैसे तरबूज के अंदर एक छोटा सा स्वास्तिक बना लिया और उसमें आप फूल, स्वास्तिक ओम हर शुभ कार्य की निशानी होती है इसलिए, तो आप स्वास्तिक बना के अपने लड्डू गोपाल को उसमें विराजित कर दीजिए। भोग की दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि वो फल में है तो ऑटोमेटिकली उनको भोग लगता रहेगा और वैसे भी वो जन्म की एक प्रक्रिया चल रही है। और आप फिर दोनों तरफ से जो है तरबूज को बंद करके, चाहे तो आप किसी धागे से बाहर से लपेट दीजिए ताकि वो खुले ना, और उन्हें जहाँ पूजा कर रहे हैं आप उसी स्थान पर रख दीजिए। ये जन्म करवाने की प्रक्रिया मैं बता रही हूँ, सिर्फ रख दीजिए। उससे 5-6 घंटे पहले रखा जाता है, तो आप 6-7 बजे रखेंगे तो 12 बजे रात्रि में हम वैसे भी जन्म करवाते हैं। तो आप जब आपने रख दिया, फिर आपको क्या करना है, आप एक बर्तन ले लीजिए, चाहे तो पीतल की परात ले लीजिए, बांस की डलिया ले लीजिए, कोई बांस की डलिया मिल जाती अति उत्तम है, नहीं मिलती तो आप पीतल की परात ले लीजिए। उसमें आप क्या करिए, खीरे के पत्ते, उस दिन बहुत मिल जाते हैं आपको पत्ते, खीरे के पत्ते उस दिन तो इतने बाजार में मिलते कि आप पूछिए मत, खीरे के पत्ते ले लीजिए 10-12 पत्ते लेके, और उसको बिछा के रखिए। जैसे ही प्रभु का जन्म हम करवाएंगे, सबसे पहले हम प्रभु का जन्म करवाएंगे। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी नाल जुड़ी रहती है अपने माँ के गर्भ से, उसे काटा जाता है, तो अस्पतालों में तो जो है वो ब्लेड वगैरह से काटते हैं। आप चाहें तो कोई शुद्ध अच्छे से चाकू धो के उसको नाल काट के आप जो है लड्डू गोपाल को उसमें बिठा दीजिए, परात में बिठा दीजिए जिसमें खीरे के पत्ते आपने लगा रखे। किस में लगा रखे आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, परात में या डलिया में। आप लड्डू गोपाल को उसमें बिठाकर सारा जो जन्म का आपका तरबूज वगैरह है उसे एक साइड में रखकर फिर उनका स्नान करा दीजिए। स्नान करवाने के तुरंत बाद क्या करते हैं, स्नान करवाने के तुरंत बाद प्रभु को शहद का भोग लगाते हैं। उस दिन से ही नंद उत्सव शुरू होता है, मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, शेयर करने वाली हूँ। नंद उत्सव शुरू हो जाता है तो पहले बच्चे को शहद चटाई जाती है, आप उन्हें शहद चटाइए, आप उन्हें दूध का भोग लगाइए, और चाहे तो उनको एक काला टीका भी माथे पर लगा सकते हैं। फिर आप उन्हें नए वस्त्र पहना के झूले में बिठा सकते हैं, सिंहासन पर बिठा सकते हैं, उनकी आरती करके उनको भोग प्रसाद दूर से जो है दूध का भोग दिखा के हाथ जोड़कर चाहे तो आप उनको शयन करा सकते हैं, और चाहे तो आप अपना सब समेटते रहिए, प्रभु बैठे रहेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको शयन ही करा दें क्योंकि जब बच्चा तुरंत जन्म लेता है तो वो तुरंत खेलने कूदने तो नहीं लगता है। बच्चे को नहलाया जाता है, माँ का दूध पिलाया जाता है, और उसके बाद बच्चे को माँ को ही दे दिया जाता है क्योंकि माँ के शरीर की गर्माहट उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस प्रकार से आप प्रभु का जन्म करवाइए, प्रभु को सुला दीजिए। बकाया के आपके मंदिर में भी जो भी फैला पड़ा है, जो भी है, आप उसको समेट समाट के, सब तमाम बर्तन फैल जाते हैं, तमाम चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो आप उसको कर सकते हैं और खुद भी सो सकते हैं। अगले दिन सुबह जो है व्रत का पारण होगा, जन्माष्टमी के व्रत का पारण आप 12 बजे जन्म के बाद भी कर सकते हैं, बिना प्याज लहसुन की सब्जी पूड़ी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खा सकते हैं। और उस दिन से फिर छठी तक भगवान जी को अन्न का भोग नहीं लगता, क्योंकि अगर आप छठी मनाते हैं, जन्म करवाएंगे तो तय है कि आप छठी मनाएंगे, अगर जन्म नहीं करवाएंगे, सिर्फ जन्म दिवस मना रहे हैं, देखिए अंतर है, जन्म करवा रहे हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं, जन्म दिन मना रहे हैं, दोनों में अंतर है। अगर आप छठी मनाते हैं, छठी मनाना चाहते हैं, तो आप जन्म करवाएं। जैसे मेरे लड्डू गोपाल का हमेशा जन्म होता है, मैं तो उनका हर साल जन्म करवाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं छठी मनाती हूँ उसकी वजह से। तो 6 दिन तक उन्हें अन्न का भोग नहीं लगेगा, बिल्कुल कतई अन्न का भोग नहीं लगेगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप उन्हें सिर्फ दूध का भोग लगाएं क्योंकि वो बच्चे हैं, ज़्यादा आनंदमय चीज़ें ये। कुछ लोग आटे का हलवा लगाते हैं, वो हलवा लगा देते हैं आलू का, कुछ लोग खीर दे देते हैं, कुछ कुछ देते हैं, तो कुछ देने की आवश्यकता ही नहीं। ज़्यादा बेहतर है कि आप उन्हें बच्चों की नज़रों से ही देखें, तभी तो आपको कद्र होगी किसी चीज़ की। तो आप उन्हें सिर्फ जो है वो दूध का भोग लगाएं, ईश्वर जो है 6 दिन तक दूध का भोग ग्रहण करेंगे। छठी वाले दिन आप उनकी छठी मनाकर और उसी दिन से उन्हें भोग दे सकते हैं। तो भोग में आप कड़ी चावल, जो भी कच्चा पक्का भोजन आपके यहाँ चलन में है, आप देख लीजिएगा आपके घर के जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय क्या बनता है, तो आप वो बना सकते हैं और प्रभु को जो है वो दे सकते हैं। जन्माष्टमी की रात्रि में ही आप उनके लिए जो गिफ्ट लाए हैं, प्रभु का जन्म होता है वैसे ही उन्हें दिखा के दे सकते हैं कि प्रभु ये हम आपके लिए लाए हैं, वो तो आपके ईश्वर हैं, आराध्य हैं, आपकी हर चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में प्रॉपर प्रोसेस बताया कि जन्म कैसे करवाना है। अब हम आपको बताते हैं कि आपने जो तरबूज है, लौकी है, कद्दू है, उसका क्या करना है। उसके 2 कार्य किए जा सकते हैं। आप चाहें तो प्रसाद रूपी घर में सब लोग वितरण करके उसे खा सकते हैं, चाहे वो खीरा हो, चाहे वो तरबूज हो, सब लोग उसे प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, उसमें तो आपके प्रभु का जन्म हुआ है। नहीं लेना चाहते किसी कारणवश से तो आप गौ माता को भी खिला सकते हैं, ठीक है, आप गौ माता को दे सकते हैं, आप स्वयं भी ले सकते हैं। तो ये है लड्डू गोपाल के जन्म करवाने का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको विस्तार से बताया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
एंड कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप जन्माष्टमी के लिए क्या लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं, तो मैं बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर दूँगी। कुछ लोगों का कमेंट आता है, दीदी आप बहुत अच्छी जानकारी शेयर करती हैं, जो आपके चैनल पर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो देखिए, क्योंकि मैं कहीं का कंटेंट उठा के कहीं चिपका नहीं देती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, लोगों से पूछती हूँ उस चीज़ के बारे में, और जब पूरी एक तह तक पहुंच जाती हूँ तभी कोई बात आप लोगों के साथ शेयर करती है, ऐसे ही नहीं शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।